कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनीता भगली लाइफस्टाइल में। और मैं हूँ अनीता। और आप लोगों को थंबनेल या टाइटल वगैरह देख के पता चली गया होगा कि आज मैं कहाँ गई हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि मैं ना अपने नंद के जो मेरी बेटी हुई है, नंद के बेटी हुई है, तो उनकी छठी में जाने वाली हूँ। मतलब उन लोगों ने सोच रहे थे कि हमारी बेटी हो जाए, वैसे उनके दो बेटे हैं मेरी नंद के। तो जो सोचा वो हो गया कि बेटी सोची थी वो बेटी हो गई। तो आज उसकी छठी है तो हम लोग सब छठी में जा रहे हैं। तो मैं बस ब्लाउज बना रही थी अपना, पहले से नहीं बनाया मैंने, ऐसे ही रह गया था। लेकिन सोच रही हूँ अगर टाइम मिल जाएगा तो वो बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं मैं दूसरी साड़ी पहन जाऊँगी। और बस ऐसे ही घर के, अभी दोपहर हो रही तो मैं क्या, चल पहले घर के काम कर लेती हूँ, रोटी सब्जी का, और इसके अगर ब्लाउज बन गया तो वो पहन जाऊँगी साड़ी, नहीं तो दूसरी पहन जाऊँगी। और परी अभी स्कूल से आ चुकी है, दोपहर का ही टाइम हो रहा है, तो पहले खाना आना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ब्लाउज का देखूंगी। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा मेरा जो भी है, तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, तो बस ये एक ब्लाउज है जो मैं सिल रही हूँ। और मैं ना इसको सिलना भूल गई थी, पहले से मुझे याद भी नहीं रहा। और जब मैंने आज सोचा कि मैं ये साड़ी पहनूंगी तो देखा इसके ब्लाउज सिला ही नहीं है कि यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है फिर सिलते हैं। और थोड़ा सा मैंने सिला, उसके बाद खाने का टाइम हो गया तो मैं, ये कह रहे थे मुझे जल्दी बाजार निकलना है तो मैं पहले खाना बना देती हूँ, ब्लाउज तो मेरा बाद में बनता रहेगा, बन जाएगा तो पहन लूँगी, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी साड़ी हैं तो वो पहन के मैं चली जाऊँगी। और आज सब्जी में मैंने जो बनाई है वो है प्याज की आल, नहीं होती जैसे प्याज की जो सब्जी होती ना, वो बनाई थी, हरी प्याज आलू डाल के और रोटी सब्जी। तो ये था आज का दोपहर का खाना, वही बना रही थी मैं रोटी सब्जी बना के। उसके बाद फिर मैं ब्लाउज में लग गई कि ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से, तो हो सकता है मैं पहन के चली जाऊं। तो इस तरह से मैं ट्राई करती रही। और खाना वगैरह बनने के बाद खुशी कह रही कि मुझे ना पास्ता खाना है, तो उसी ने ये सारा कुछ किया है, कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह उसी ने उबाला। मैं तो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं खाना बना चुकी हूँ, अगर करना है तो खुद से कर लो। तो खुशी ने ये बनाया पास्ता, तो वो रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं, और आगे मोबाइल रख के जो जो मोबाइल में बताते जा रहे थे वैसे वैसे चीज़ें डालती गई। तो इस तरीका से उसने पास्ता बना लिया। चलो ठीक है बनाओ भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गया है पास्ता, थोड़ा सा घुल गया है, मतलब ज़्यादा उबल गया था उससे तो इस वजह से, लेकिन पास्ता बहुत अच्छा बना था, मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत स्वाद बनाया था उसने पास्ता। पास्ता तैयार हो गया है, ये रहा, और हम अब खाने जा रहे हैं। फाइनली मेरा ये ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है, देखिए बना लिया मैंने, बस गले की पट्टी रह गई है लगाने के लिए, ऐसे है, दोनों तरफ गले की पट्टी रह गई, बाकी फिटिंग विटिंग सब हो गई है और हुक काज वगैरह सब हो गए, बस ये पट्टी लगा लूंगी तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ जतिन को लेने उसके स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, तो पहले जतिन को ले आते हैं, फिर उसके बाद मैं, बच्चे सब लोग जाएंगे अपने नंद के घर पे जहाँ पे उनके फंक्शन है। तो अभी मैं जा रही हूँ जतिन को ले आऊँ पहले जाके। तो हम लोग सब तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं अपने नंद के घर पे। परी, खुशी, जतिन उधर शूज पहन रहा है, सब लोग तैयार हो गए हैं। तो ये रही ऐसे तरह से साड़ी, चलो चले चलो। तो अभी मैं अपने नंद के घर जा रही हूँ, और इन्होंने गली में ही टेंट लगाया है, छोटा सा है, 25 गज के मकान होते हैं ना, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब लोग हैं रूम में बैठे हुए हैं, जितने सारी लेडीज सही हैं, मतलब गाने आने गब रहे थे, ढोलक वगैरह बज रही थी, मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, तब तक ये जच्चा वगैरह के गाने हो चुके थे। और यहाँ पर ये कुछ डांस वगैरह कर रही हैं, ये इन्हीं की फैमिली से कोई रिलेटिव हैं, मैं इनको नहीं जानती हूँ, तो ये डांस वगैरह कर रही थी। ढोलक वाले गाने सब हो गए थे, जैसे जच्चा वाले जो गाने होते हैं ना वो हो चुके थे, और छठी भी पूज गई थी,
मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, इस वजह तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये अभी डांस कर रही हैं, और थोड़ा सभी लोगों ने डांस किया, थोड़ा थोड़ा मैंने भी किया था डांस। और ये मेरी नंद की देवरानी है, तो वो भी डांस कर रही थी। देवरानी जेठानी और मेरी नंद की आगे नंद, मेरी जेठानी, हाँ मैं, सब लोगों ने डांस किया था। लेडी संगीत में तो देखो ऐसा ही होता है, एक उठे तो फिर सब लोग धक्के से उठाते हैं, चलो तुम नाचो तुम नाचो। तो अभी मुझे उठा दिया था नाचने के लिए, तो फिर अभी मैं नाच रही हूँ। और ये मेरे परिवार की में से लगती है, मेरी सबसे बड़ी जिठानी है, मेरे परिवार में लगती है। सगी वाली तो जो मैं अभी मेरी नौछावर कर रही थी ना, वो मेरी सगी वाली है। ये भी सगी है, लेकिन ये चचा ताऊ में जिठानी लगती है। इनको भी बोला था डांस करने के लिए, तो ये भी फिर कर रही डांस। और ये मेरे मौसेरी नंद की बेटी है, जैसे भैया इनकी मम्मी डांस करती हैं वैसे ये डांस करती हैं, बहुत ज्यादा डांस करती हैं। इनके भी पैर नहीं रुकते और इनकी मम्मी के भी, और डांस भी बहुत अच्छा करती है, ऐसी बात नहीं है, स्टेप टू स्टेप डांस करती है ये। और यहाँ पर अब लग गई है खाने की टेबल, तो अब हम सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये है मेरी जिठानी बड़ी वाली और वो उनकी बेटी है। और यहाँ पे अभी मेरी लगी थाली, खाना परसने वाले ये रहे। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आ जाओ, छठी बुजली, छठी बुजली। लली के पापा ही परस रहे सब लोग उनको। मेरी प्लेट चावल रखी, मैं को भी ले लो। ये आ गए सारे लोग, खाना चौल खा लो, चौल चौल खा लो भैया। देखो मांग रहे ना, दूर तक बाबे का भंडारा है, भंडारा है, हम तो छठी खाने आए। माता रानी का भंडारा है। सही पकड़े हैं भाभी, तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, छठी खा लीजिए आके। और छठी में हमारे कढ़ी चावल बनता है और साथ में सब्जी बना ली थी, जैसे बना सकते हैं जैसे जो भी अलग अलग तरीके से होता है, कोई कैसे क्या बनाता है कोई कैसे, तो छठी में तो ज़्यादातर कढ़ी चावल ही बनता है। तो मैं भी खाना खा रही हूँ। ये रहा नन्ना सा बाबू, सो रही है बेचारी लल्ली लली। कितनी ठंड होगी, मैं तो रजाई से निकलना जी नहीं कर रहा। बहुत चोट लग रही थी। हाँ नन्नी लली सो रही है बेचारी। चल
मेरे छोटे मोटे, बाकी के बाल कितने मोटे मोटे होते हैं, ये तो भाई एक किलो लाड़ो मेरी 3.5 किलो की हुई थी, खुशी मेरी हुई थी 3.5 किलो की। ये तो दो किलो 2.5 किलो ऐसे करे जी भाई, ये 1.25 किलो की, 1.25 किलो की लेकर आई है अपनो भजन। उठ जाओ, इनका ना थायराइड के चक्कर में भजन के लिए इनका बड़ा है चुन्नी मुन्नी वो तो ये कहो चलो बच्चा। और यहाँ पे बाबू खिलाने के लिए बच्चे ऐसे उतावले थे कि मुझे दो बहुत ज्यादा, सब गोदी में ले लेके देख रहे थे। और अभी मिलाऊंगी मैं जिनके बेटी हुई है, रोशनी नाम है उनका, मेरी नंद है छोटी वाली। ये रही बाबू, नन्नी जी सुंदरी मुंदरी सो रही है, इनके हुई है रोशनी, दिख रही तुम, देखो देखो इनके लल्ली हुई है, जो बेड पे बैठी हैं उनके हुई है। ये रही भाई लल्ली, ये देखो सो रही है अभी, नन्नी सी बाबू सो रही है, सो रही नन्नी सी बाबू चली गई बेटा लग गया। और मैंने गोदी लिया तो परी भी कह रही मुझे भी गोदी लेना है, और परी कही कितनी क्यूट बेबी है, मुझे भी चाहिए मम्मी ला के दो। मैं क्या बात हो गई, अपनी बहन ही तो है, कजन भी तो बहन होते हैं, बहन भाई होते हैं, सगे ही होते हैं, तो उन्हीं को खिला लेना और क्या। और अब जतिन का भी मन हो रहा था कि मम्मी मुझे भी गोदी में देना, क्योंकि देखो होता है ना छोटा बच्चा होए तो उसका बहुत मन करता है खिलाने का, बड़े लोगों का मन करता है। तो आ गए हम लोग अब अपने घर, तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बच्चे भी आ गए और बच्चों की युद्ध चल रहा है, मत कर, ये देखो जतिन मान जाओ। चलो ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय। और जिस किसी ने भी इधर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।